गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो? आई होप काफी अच्छे हो गए। अभी कैसा है ना कि कल एक कमेंट आया था कि मेरे भाई महाराष्ट्र में वैकेंसी काफी कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कर्नाटका से अप्लाई कर दूँ, कैसा रहेगा? मैं कहा भाई मजाक कर रहा है, क्या कर रहा, मतलब भाई चलो ठीक है महाराष्ट्र छोड़ा, सीधा कर्नाटका मतलब साउथ, मतलब सोच के करो अप्लाई। अभी कैसा है, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है महाराष्ट्र वालों की, जो स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जितने भी हिंदी राज्य स्टेट्स हैं, राजस्थान, एमपी, यूपी, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो हम लोग। बट फिर वही है कि ये आरआरबी है, इसमें आपका पूरी जिंदगी भर आपको सर्व करना पड़ेगा, चेंज नहीं होगा, ट्रांसफर होकर कभी अपने होम स्टेट नहीं आ सकते हो। तो कल्चर बहुत अलग होता है अलग स्टेट्स का, और उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी देखने मिलने वाला है। तो सोच के समझ के अप्लाई करना। अभी कैसा है ना, इसके अलावा कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में कि भैया अभी एसबीआई क्लरिकल का रिजल्ट भैया अगले मंडे से कभी भी एक्सपेक्ट कर लो, मतलब कभी भी आ सकता है कोई, मतलब कहो तो कल भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कहो तो कल भी आ सकता है। बट मोस्टली जितनी फीलिंग आ रही है मंडे से लग रहा है भैया 17th ऑनवर्ड्स में कोई फीलिंग आ रही है कि भैया रिजल्ट आउट हो जाएगा। अभी एक चीज़ और आ रही है लोगों को कि भैया मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे करना, क्या करना। भाई देखो, मैं तो सीधा बोलता हूँ, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। अभी मॉक टेस्ट में ये मत देखो स्कोर, थोड़ा प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट दो। अभी प्रैक्टिस से मॉक टेस्ट से बात याद आई, गाइडली का एक ऑफर चल रहा है, पता होगा आपको, 10 साल वाला, जिसमें उन लोगों का 10 महीने की वैलिडिटी के साथ जो उनका मॉक टेस्ट है वो 166 का 146 में मिल जाएगा, यदि कूपन कोड नितिन ऐड कर दोगे। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज़रूर मॉक टेस्ट परचेस कर लो। वैसे भी काफ़ी, मतलब कल शायद लास्ट डे है, जाके ले लो, काफ़ी हेल्प होगी। लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा कि आरआरबी का कैसा है ना भाई, कि लगने में लगता है कि बड़ी ईजी एग्ज़ाम है क्वालिफाई करना, बट बहुत टफ एग्ज़ाम है निकालना। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।